नमस्कार टुडे इंडिया न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गोविंदी के गौतम नगर में। यहाँ पे एक गंभीर समस्या है जो यहाँ पे दत्तक बस्ती है, जो साफ सफाई नहीं हो रही है, गटर जाम है। यहाँ पे यहाँ की कुछ स्थानीय जनता से जानना चाहते हैं जो यहाँ पे गंदगी है, तो हम जानना चाहेंगे ये जो गंदगी है कभी से है, क्या है? बहुत दिन से गंदगी है, सुबह पानी भरा रहता है, पानी निकलता नहीं है, सुबह जाने को नहीं होता बाथरूम में, गंदा पूरा गंदा पानी बाथरूम में आता है। तो यहाँ पे आपने कभी बीएमसी या नगर सेवक या एमएलए को आपने कंप्लेंट नहीं की? कोई सुनता ही नहीं है, इतने बार जाते हैं हम लोग, सुनते नहीं है, आते नहीं है, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, उसके पहले कभी दिखाई नहीं देता। नगर सेवक जो यहाँ की है हेलो कोई आता ही नहीं है। नगर सेवक यहाँ के नाम क्या है जो नगर सेवक यहाँ? नादिया से, नादिया से, नादिया से, राष्ट्रवादी पार्टी। आज तक सकल नहीं बताया, अभी नहीं आती, जब से वोट लेके गई जब से आती नहीं है, बाथरूम में पानी पूरा गंदा आता है। किस तरह से आपको ये समस्या का सामना करना पड़ता है? पूरा वहाँ से लेके यहाँ मंची से लेके यहाँ सुबह देखो चलने को रास्ता नहीं होता कि यहाँ पानी आप पहचान चार साल से ऐसे पानी का भरा है, जाके बहुत परेशानी होती है यहाँ के, वहाँ कितनी परेशानी है यार। नमाज के लिए जाते तो उसको ढाई सौ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो दुनिया का सबसे ऊपर पानी। किस तरह से देखे यहाँ पे बोल रही है खाला है कि वो कह रही है कि यहाँ पे जो लोग जाते हैं गंदे पानी है, और नमाज पढ़ने में कितनी जो नमाज पढ़ने जाते हैं उस पर छींटे पड़ते हैं कपड़े के ऊपर, कितनी बड़ी समस्या होती है। अरे जो कि वो एक मुस्लिम नगर सेवक है, तो मतलब उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? लड़की लोग पानी लेते वाले सीटी बजाते हैं, अच्छा है क्या? नल नहीं लगा सकते पानी की, घंटा नहीं लगा, घंटा नहीं लगा, पानी लेके जाते घंटा। मेन बात जो है वो नेता रहने का, जब पूरी रहने का, जब जरूरत रहती तो बाथरूम जो है उसके अंदर नल नहीं लगे, ठंडा पानी जो गटर का पानी ना वो ड्रम में बना है, वही औरतें लोग लेती है, बीमार पड़ती है जबरदस्ती का, लोगों को तकलीफ होती है, और बड़े बड़े पानी के अंदर बड़े 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 कीड़े, पानी पड़ती तो लड़के लोग बाहर खड़े रह के सीटी उटी बजाते, वो सब तो देखते ही नहीं है क्योंकि कुछ लोग पर्दे में रहते हैं और दूसरे लोग रोड पे है। तो इसकी जो कंप्लेंट है नगर सेवक को नहीं की आपने? अरे वो बात सुन के आगे ऐसे ही नहीं है हमसे की बोली म्युनिसिपैलिटी को जाओ मत, कभी आई नहीं बोली म्युनिसिपैलिटी को जाओ मत, मैं सब ये सब करके देती हूँ आज दो महीना हो गया बोल के, लेकिन कुछ सहूलियत करती ही नहीं है कुछ। किस तरह से यहाँ पे नगर सेवक जो है नादिया शेख उनसे नाराज है यहाँ पे इस बात से सामाजिक है, हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो समस्या है। जी बताइए आपका नाम क्या है? जो ये स्वच्छ भारत स्वच्छ चल रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा, जो सरकार बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? स्वच्छ भारत अभियान देखो एक ऊपर का काम हो रहा है, लोगों को दिशा भूल किया जा रहा है। आज स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर हम लोग निकालेंगे तो करोड़ों टॉयलेट बन के रेडी है सबके घरों में, लेकिन अगर सर्वे किया जाए तो किसी के घर में एक भी टॉयलेट मिलेगा नहीं, और जगह जगह इनका पोस्टर लगा है स्वच्छ भारत अभियान का, और ये स्वच्छ भारत अभियान आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं, ये जो बोर्ड लगा है स्वच्छ भारत अभियान का, आपका नारा है यहाँ नगर सेवक एमएलए, और ये जो इन्होंने यहाँ के लोगों ने कहा कि ये बाथरूम के अंदर ड्रम है और उसके अंदर ये है नल नहीं है और गंदे पानी आते हैं उसके अंदर कीड़ा है, तो उसके बारे में बराबर है दरवाजे टूटे हैं, दरवाजे टूटे हुए, दरवाजे टूटे, वही गर्म का पानी, गंदा पानी पहले से गंदा है। यहाँ पे लोगों ने आप एक पॉलिटिकल है जन अधिकार पार्टी के गलत नजरिए से देखते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और नगर सेविका से और एमएलए से यहाँ नाराज है, उसके बारे में मैं देखो लेडीज लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है उसके खिलाफ कंप्लेन करो, और कंप्लेन नहीं होता है तो मुझे बताओ मैं आपका संपर्क। उन्होंने कहा कि नगर सेविका को हमने कंप्लेन किया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, अगर इस तरह की घटना है तो नगर सेविका को बोल के कोई मतलब नहीं है, चौकी में जाके कंप्लेन करना। इस वक्त हम ना गौतम नगर के टॉयलेट के अंदर है, बाथरूम के अंदर है, और यहाँ पे लेडीज हैं। किस तरह से इनका कहना है ये देखो दरवाजे
दरवाजे टूटे हुए जो एक में भी नहीं है, पानी नहीं देख सकते हैं, नल नहीं है, एक में नल नहीं रहा है और दरवाजे नहीं है और पानी भी आता नहीं, मतलब इसी नल में गंदा पानी था, हरा हरा पानी था बाथरूम का, टैंक के जो थे वो कलर का पानी था बाथरूम के अंदर, वो हर महीने 50 रुपए देना पड़ता है पास का, और यहाँ पे नल नहीं है, दरवाजे टूटे हुए हैं, पैसे का अंदर जाने नहीं देते, पहले बोला था पैसे भी नहीं देते, जाने भी नहीं देते, और यहाँ पे पूरी गंदगी है, पास आता है किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे ये कपड़े ये इसके अंदर सब ये पड़े हुए हैं, और जैसा लगता है कि ये बाथरूम नहीं कचड़ कुंडी हो गई है, और अरे चलते 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 लोगों के पूरा पानी भरा रहता है, ये पानी निकलता ही नहीं है, पहले म्यूनिसिपैलिटी का पानी आया था, नगर सेवक से सब बाथरूम बनाया, क्यों बनाया इसने, ये पूरा पानी भर रहा है, देख सकते हैं कि ये दो परेशान है, जमीन दिखा, जमीन पानी है, जैसा लगता है म्युनिसिपैलिटी है, पानी देखो कितना गंदा रहता है, 1 रुपया की नहीं है, नीला नीला पानी देता है, नीला पानी आता 5 रुपया लेता है, 1 रुपया सफाई नहीं, सुबह ये पानी पूरा चित्ता ऊपर पड़ता है, ड्रम देखो ड्रम पानी देखो ड्रम देख सकते हैं किस तरह से ड्रम है, और देखो ना सब नीला पानी, और एक ही नल है यहाँ पे जो इसमें पानी आता है, और यहाँ से डब्बे से लाइन राशन की लाइन खड़ा होता है।